किचन मैं हूं अरुण और आज हम बनाने वाले एक बहुत ही क्विक इजी और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो वेजेस और आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस इन द ओवन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजेस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टोव के ऊपर डाल देंगे पानी। तो ये जो पानी है हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, तो ये सॉल्टी वाटर है जो हमें अभी गैस पे लगा लेना है। और इसमें अब जाएंगे हमारे ये वेजेस, आप देख सकते हैं ये पोटैटो के वेजेस हैं। तो ये वेजेस काटने के लिए आपको एक पोटैटो को पहले हाफ करना पड़ेगा, फिर हाफ को बीच से स्लाइस करके और हाफ करना पड़ेगा, और जो स्लाइस है उसको वापस हाफ में स्लाइस करना पड़ेगा। मतलब एक पोटैटो को आपको 8 वेजेस आराम से मिल जाएंगे। और इसको अभी हमें पार बॉयल करना है, यानी कि 50% डन होने तक इसको हमें बॉयल करना है। तो यहां मैं ये डाल रहा हूं अपने पोटैटो वेजेस। तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 मिनट्स में ये जो है पार बॉयल हो जाते हैं। तो जो फ्लेम है वो भी फुल है और हमें इसे पार बॉयल कर लेना है। तो अब मिलते हैं 3-4 मिनट्स के बाद। तो 3-4 मिनट्स के बाद ये रेडी हो चुका है हमारा पोटैटो वेजेस। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और अब हम इसे स्ट्रेन करके थोड़ा 3-4 मिनट कूल कर लेंगे। तो ये जो हमारे वेजेस है ये अच्छी तरीके से कूल हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब इसमें जाएगा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। और इसमें जाएगा मिक्स हर्ब्स। इसको हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अगेन हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बेकिंग ट्रे। सबसे पहले मैं अपने ओवन को प्री हीट कर दूंगा 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये रही हमारी बेकिंग ट्रे। अब हम सारे अपने वेजेस को इसमें लाइन अप कर लेंगे। ओवन में 15 मिनट्स के लिए। तो ये हो चुका है एब्सोल्युटली रेडी। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है रेडी हमारे पोटैटो वेजेस जो एकदम मस्त लग रहे हैं, सेंसेशनल लग रहे हैं। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा पेपरिका पाउडर या फिर आप रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़े से हर्ब्स। तो ये हो चुका है रेडी। अब आप इसे मस्त इंजॉय करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।